गुड मॉर्निंग एवरीवन। हम स्कूल सॉफ्टवेयर का एक क्विक ओवरव्यू देखते हैं, जिसमें हम देखेंगे कि स्कूल सॉफ्टवेयर किसी भी पर्टिकुलर स्कूल को कैसे हेल्प करता है और कितना बेनिफिशियल है, कौन कौन से पॉइंट जो जहां पर स्कूल को एक पेन, स्कूल का बेसिकली पेन एरिया है जिसे हम कवर कर रहे हैं। तो सबसे पहले स्कूल की बात करते हैं। तो स्कूल में हमारे सॉफ्टवेयर में बेसिकली चार तरह की लॉगिन्स हैं, आप लोग देख पा रहे होंगे। चार स्क्रीन्स हैं यहाँ पे, चार टाइल्स है जिसमें एडमिन है, पेरेंट है, टीचर्स है एंड स्टूडेंट। यानी कि चार तरह के लॉगिन। टीचर्स को लॉगिन करना है तो टीचर पे जाके लॉगिन करेगा, पेरेंट को लॉगिन करना है पेरेंट पे जाके लॉगिन करेगा, स्टूडेंट को करना है स्टूडेंट पे, और एडमिन को करना है एडमिन पे। तो हम देखते हैं कि एडमिन को किस तरह से स्कूल हेल्प करता है। सबसे पहले हम इस एडमिन पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही हमारा स्क्रीन ओपन होकर आ जाएगा। इस स्क्रीन पे टाइप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग बाइफर्केशन दिया गया है। अब टाइप ऑफ वर्क के अकॉर्डिंग जो बाइफर्केशन है, इसमें क्या है, टीएमएस, अटेंडेंस एंड स्कूल, तीन हमारे पास टाइल्स आ रही हैं। इंटायर स्कूल को मैनेज करने के स्कूल अटेंडेंस पे, यानी एम्प्लॉई अटेंडेंस है, और टीएमएस टाइम मैनेजमेंट, जहाँ पे एम्प्लॉई अपना लीव डाल सकता है और अपना अप्रूवल देख सकता है। अटेंडेंस पे जाएंगे तो हम अटेंडेंस पे जाकर के हम क्या देखते हैं, अटेंडेंस पे हम देखते हैं कि किस कोई भी स्टूडेंट, कोई भी टीचर या कोई भी स्टाफ अपना जाकर अटेंडेंस यहाँ से लगाता है, राइट। अटेंडेंस लगाएगा, उसका अटेंडेंस बन जाता है। अपना आते हैं इस एरिया में, लास्ट एरिया में, राइट साइड एरियाज। राइट साइड एरिया में आप देखेंगे तो क्या है, टुडेज बर्थ, आज किस किस का जन्मदिन है उसका लिस्टिंग दिखाएगा। अपकमिंग बर्थडे, यानी कि अगले वीक में, कमिंग वीक में जो लोग, जिन लोगों का बर्थडे आने वाला होगा उनका लिस्टिंग दिखाएगा। व्यू वॉल पे करेंगे, जितने भी होंगे सब दिखाई दे देगा। यहाँ पर लिमिटेड दिखाता है, व्यू वॉल पे सारा दिखाता है। अब आते हैं स्कूल पे। स्कूल का, स्कूल पे जैसे हमने क्लिक किया, ये देखिए स्कूल का डैशबोर्ड हमारे पास आ गया। डैशबोर्ड पे स्क्रीनिंग आप देख पा रहे होंगे, स्क्रीन में आपके पास है टोटल स्टूडेंट, इसमें तीन है, टीचर एक है, क्लासेस फाइव है, और टोटल पेरेंट भी तीन, तीन पेरेंट्स हैं, तीन स्टूडेंट हैं, एक टीचर है और फाइव क्लासेस हैं। इस स्कूल की, इस सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खूबसूरती यही है कि यहाँ पर हम सब कुछ वन स्टॉप में देख पा रहे हैं, हर चीज कि यहाँ पर कितने स्टूडेंट है, कितने क्या है, कितने मतलब मैनेजमेंट को जो चीज चाहिए हम डायरेक्ट यहाँ पे देख पा रहे हैं। एक्सपेंसेस स्कूल में क्या हुए उसका भी डिटेल्स देख पाएंगे, किस महीने में कितने एक्सपेंसेस हुए, स्टूडेंट कितने, अगर हम जेंडर के अकॉर्डिंग देखना चाहे तो जेंडर के अकॉर्डिंग हमें मिल जाता है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स की बात करें तो किस सेशन में कितने स्टूडेंट हैं ये भी हम देख पा रहे हैं। लाइब्रेरी में कितने हमारे पास बुक्स हैं और कितनी बुक्स हमारे पास अवेलेबल है, कितने इश्यूज हो गई हैं वो भी हम देख पा रहे हैं। टूडेज प्रेजेंट कंडीशंस, अगर आपने आज का अटेंडेंस बनाया होता तो आप यहाँ पे देख पाते कि आज कितने बच्चे एबसेंट हैं और कितने बच्चे प्रेजेंट हैं। फी कलेक्शन कितना हुआ है, किस मंथ में कितने का कलेक्शन हुआ है आप यहाँ पे देख पाएंगे करेंट ईयर का, और साथ में फी डिटेल्स भी आप देख पाएंगे, कितने पेंडिंग है, कितने कितने पेमेंट कलेक्टेड हुए हैं और कितने पेंडिंग, ये भी आप देख पाएंगे। तो ये सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ी खूबसूरती है कि हम, या सबसे बड़ा पार्ट है कि हम एक डैशबोर्ड पे ही ओवरऑल डिस्क्रिप्शन देख पा रहे हैं। अब इस सॉफ्टवेयर में सबसे पहले अगर बात करें स्कूल मैनेजमेंट का, स्कूल मैनेजमेंट में बहुत सारे पार्ट है, जैसे ओएम मास्टर। ओएम मास्टर के अंदर जैसे हम पोजीशन की कोई ओपनिंग करते हैं, ओपनिंग करते हैं इन द सेंस कि जैसे हमारे स्कूल में रिक्वायरमेंट है मैनेजर की, हमारे स्कूल में रिक्वायरमेंट है किसी टीचर की, तो हम यहाँ से ओएम पोजीशन ओपन करते हैं और पोजीशन के अकॉर्डिंग हम अपनी हायरिंग प्रोसेस शुरू करते हैं और हायरिंग करते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये पूरा डिटेल्स दिया हुआ है, इस डिटेल्स के अकॉर्डिंग हम यहाँ से पोजीशन हायर करेंगे, पोजीशन ओपन करेंगे, पोजीशन ओपन करने के बाद हम जो भी पोजीशन ओपन करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ से हायरिंग कर लेंगे। पोजीशन ओपन करने के बाद हम सीधे चले आते हैं कहाँ पर, एचआर पेरोल के अंदर। यहाँ पर आपके पास एड एम्प्लॉई करके ऑप्शन है। पोजीशन हमने ओपन कर दिया कि हमें फिजिक्स टीचर की जरूरत है, फिजिक्स टीचर की जरूरत है, तो फिजिक्स टीचर के अकॉर्डिंग हमने क्या किया, स्क्रीन ले लिया फिजिक्स टीचर का, और फिजिक्स टीचर का हमने ओपनिंग कर दी। ओपनिंग के बाद हमने क्या किया, यहाँ से एम्प्लॉई अपना ऐड कर लिया, जो भी हम न्यू हायर करेंगे इसके कुछ अपने टैब्स होंगे, उस टैब के अकॉर्डिंग हम
सारे अपने सारे इम्प्लॉयज का डेटा हम यहाँ से आसानी से रख सकते हैं। पहला पॉइंट सबसे बड़ा पॉइंट था। उसके बाद हम इसी से अपना पेरोल का भी चला सकते हैं, सैलरी प्रोसेस भी चला सकते हैं, हर चीज हम चला सकते हैं यहाँ से, जिससे कि इम्प्लॉय से रिलेटेड सारा हमारा जो पेन एरिया होता है अक्सर सैलरी का, सैलरी क्रिएशन का, सैलरी डिडक्शन का, वो सारा चीज यहीं से कवर हो जाता है। दूसरा पॉइंट है हमारा, जो नॉर्मल स्कूल में होते हैं आपके सारे प्रोसेस मिल जाएंगे। जैसे यहाँ सबसे पहले एकेडमिक स्कूल का पार्ट होता है, एकेडमिक, एकेडमिक में क्लासेस मैनेज करना, आप क्लास मैनेज कर सकते हैं। आप यहाँ क्लिक करेंगे, क्लिक करके आपके स्कूल में जितनी भी क्लासेस हैं आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं। जैसे हमने यहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 मैनेज कर रखा है, आप आगे भी अपना जो भी, जैसे मान लो हमें 6th क्लास मैनेज करना है तो हमने 6th क्लास लिखा और सेव किया, हमारे पास ये मैनेज होकर चला आएगा और यहाँ पर 6th देखिए हमारे पास अवेलेबल है। उसी तरह से सेक्शन क्लासेस होते हैं, उसके सेक्शंस भी होते हैं, सेक्शन ए बी सी हमने कर दिया, ऐसे आपको डी ई एफ या जो भी नाम रखना है आप क्लासेस यहाँ पर नाम रखेंगे और सेव करेंगे, आपका सेव हो जाता है। क्लास एंड सेक्शंस की बात करते हैं, तो अब हम क्लास और सेक्शन इंडिविजुअल तो हमने बना लिया, लेकिन हर एक क्लास में अपने सेक्शंस होते हैं। किसी क्लास में एक सेक्शन होता है, किसी में दो होता है, किसी में तीन होता है। तो हम क्लास को असाइन करेंगे कि इस क्लास में ये सेक्शन है, क्लास ए सेक्शन ए, क्लास वन सेक्शन ए, क्लास टू सेक्शन बी, क्लास टू सेक्शन सी, ऐसे करके हम कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर हमने सेशन सेलेक्ट करेंगे, उस सेशन में क्लास वन, वन का देखिए हमने ए मेंटेन कर रखा है, तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम बी भी मेंटेन कर देते हैं। बी मेंटेन किया हमने, यहाँ से क्लिक किया, अब देखिए अब क्लास वन में सेक्शन दो हो गए, ए और बी, जिसका क्लास टीचर हमने बाय डिफॉल्ट रखा है, लेकिन हम यहाँ से हम चेंज कर सकते हैं, क्लास टीचर को हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अभी हमने एक ही टीचर हायर कर रखी है, इसलिए दोनों का क्लास टीचर हमने वन रखा, ठीक है, जो ऑलरेडी सेव्ड होगा दोबारा सेव नहीं हो पाएगा। दूसरा है, अगर बात करें तो मैनेज सब्जेक्ट्स, हमारे स्कूल में जितने भी सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स की लिस्टिंग एक बार कर लेते हैं। अब क्लास वन से टेन तक की लिस्टिंग, ये वंस इन ए ईयर, साल में एक बार का टास्क होता है, साल में एक बार हमने करी, साल में क्या, कई सालों में एक बार ही करना पड़ेगा स्कूल में, क्योंकि मैक्सिमम सब्जेक्ट्स वही होते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, मैनेज पीरियड। अब हर स्कूल में अलग अलग पीरियड्स होते हैं, किसी में 6 पीरियड होती हैं, किसी में 8 पीरियड होती हैं, मॉर्निंग शिफ्ट, इवनिंग शिफ्ट, जो भी हो सकता है। तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम सेशन सेलेक्ट करेंगे, सेशन सेलेक्ट करके हम करेंगे किससे शिफ्ट में, भाई मॉर्निंग शिफ्ट चल रही है, मॉर्निंग शिफ्ट में कौन सा कितने बजे से, देखो यहाँ पर हमने तीन चार बना रखी है, हमने पीरियड वन बना रखी है, वन में 8 बजे से 8:45 तक था, पीरियड टू है 8:45 से 9:30 तक है, पीरियड थ्री में 9:30 से 10:15 तक है, पीरियड फोर में 10:15 से 11 बजे तक है। तो इस तरह से हम और भी अपना पीरियड बनाना है, 11 बजे तक है, तो हमने यहाँ से 11 लिख दिया, 11 बजे का टाइम दे दी, और 11 से हमने 11:45 का टाइम दे दिया। तो इस तरह से हम पीरियड भी अपना बना सकते हैं, आपके ऊपर डिपेंड करता है। और इन पीरियड को हमें क्या करना पड़ेगा, पीरियड के अकॉर्डिंग हमें शेड्यूलिंग करनी पड़ती है, असाइन सब्जेक्ट्स। अब सब्जेक्ट भी असाइन करना होता है, यानी कि किस क्लास को, किस मतलब हर एक क्लास में सेक्शन के अकॉर्डिंग हमें सब्जेक्ट भी असाइन आप कर सकते हैं यहाँ से, किस सेक्शन में कौन सा क्लास है, कौन सा सब्जेक्ट है। टीचर असाइनमेंट भी आप कर सकते हैं, टीचर सब्जेक्ट एलोकेशन, कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, आप यहाँ से डिफाइन कर सकते हैं कौन सा टीचर कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएगा, ठीक है। अभी टीचर एक ही है तो एक ही का लिस्टिंग हम बना रहे हैं, तो ये टीचर हमारा आ गया कि ये इंग्लिश पढ़ाएगा क्लास वन के में, ठीक है। सिमिलरली मैनेज क्लास शेड्यूल, और क्लास शेड्यूल मैनेज करना है आपको तो क्लास शेड्यूल बनाना है। जैसे ही क्लास शेड्यूल आप बनाते हैं यहाँ पे, जैसे देखिए मंडे का शेड्यूल बनाना है, मंडे में हमारे पास लिस्टिंग ओपन होके आ जाएगी, कितनी हमने पीरियड बनाई है, 5 पीरियड बनाई है, फर्स्ट क्लास में, फर्स्ट क्लास का ही है हमारे पास, हम यहाँ पर डाल देते हैं, इंग्लिश हो गया, फिजिक्स हो गया, हिंदी डाल देता हूँ मैं यहाँ पे, एक ही टीचर है तो इसी का नाम डाल देता हूँ मैं। रूम नंबर भी आप एलोकेट कर सकते हैं कि कितने नंबर रूम में इनके क्लासेस होंगे,
तो ऑब्वियसली स्कूल में क्या होता है, एक ही रूम नंबर सारे मतलब वो क्लासरूम एलोकेटेड होता है, तो हम एक भी रख सकते हैं। इसको बड़े लेवल पे बात करें तो कभी कभी चेंजेस करनी होती है तो इसको हम चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम क्लास मैनेज, क्लास शेड्यूल भी हमने कर लिया। अब ये बच्चों के पास, बच्चों को आप बच्चे जब अपना लॉग इन करेंगे तो उनके पास उनका क्लास शेड्यूल दिखेगा, किसी बच्चे को इंडिविजुअल क्लास शेड्यूल देने की जरूरत नहीं है। ये एक यूनिक पार्ट है हमारे सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट अगर हम बात करें टाइम व्यू शेड्यूल की बात करते हैं, तो व्यू शेड्यूल में हम जाकर सेशन सेलेक्ट करते हैं। सेशन सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर क्लास और सेक्शन सेलेक्ट करते हैं, सर्च करते हैं। अब देखिए यहाँ पर मंडे का मैंने शेड्यूलिंग करे था, मंडे का आपको दिख गया। अब इसी चीज को आप प्रिंट करके बच्चों को दे देंगे। इसी तरह से मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, अब जो जिस जिस दिन जो क्लास रखना चाहते हैं आपने शेड्यूल किया एक बार, और सारे स्टूडेंट को विजिबल रहेगा, उनके ऐप पे विजिबल रहेगा, उनके लॉग इन पे विजिबल रहेगा। तो ये हमारे सॉफ्टवेयर की सबसे बड़ा पार्ट है, जो इम्पोर्टेंट पार्ट है, जिसमें स्कूल को बहुत टाइम देना पड़ता है और इंडिविजुअली बच्चों को बताना पड़ता है, लिखवाना पड़ता है। नेक्स्ट आता है, अगर बात करें हम स्टूडेंट की बात करें तो स्टूडेंट में आप जाएंगे, स्टूडेंट में जाएंगे तो न्यू रजिस्ट्रेशन मिलेगा। स्टूडेंट के रजिस्ट्रेशन को हमने बेसिकली 6 पार्ट में डिवाइड कर रखा है, 6 कार्ड बांट रखा है, जिसमें सबसे पहले क्या है हमारा जनरल डिटेल्स। जनरल डिटेल्स के अंदर क्या होता है, जनरल डिटेल्स के अंदर स्टूडेंट का पर्सनल डिटेल्स आता है। उसके बाद हमारा आता है जनरल डिटेल्स के अंदर बेसिक डिटेल्स जो होना चाहिए, उसके बाद पर्सनल डिटेल्स आता है। उसके बाद एकेडमिक डिटेल्स हम डालते हैं, यानी कि पीछे अगर बच्चे ने किस स्कूल में पढ़ी है और क्या करी है, किस स्कूल में पढ़ा है, कैसे पढ़ा है। नेक्स्ट हमारा आता है गार्जियन का डिटेल्स। गार्जियन का डिटेल्स बहुत इंपॉर्टेंट होता है स्कूल के बिहाफ पर। नेक्स्ट होता है सर्विसेस, कौन कौन सी सर्विसेस इनहेल कर रहा है बच्चा, यानी इनहेल का मतलब क्या हो गया, सर्विस इनहेल का मतलब कि कौन कौन सी सर्विसेज बच्चा यूज कर रहा है। जैसे ट्रांसपोर्टेशन यूज कर रहा है तो ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी उसका एक्सपेंसेस होगा। नेक्स्ट है आपके पास डॉक्यूमेंट अपलोड। डॉक्यूमेंट अपलोड में क्या होता है कि बच्चे का जो बेसिक डॉक्यूमेंट्स होता है उस डॉक्यूमेंट की बात करते हैं हम लोग, ठीक है। तो ये हमारा रजिस्ट्रेशन प्रोसेस हो गया। रजिस्ट्रेशन के बाद जब स्टूडेंट कंप्लीट कर लेता है अपना, आपका स्टूडेंट के डेटा आप यहाँ से व्यू भी कर सकते हैं, क्लास वाइज आप चाहें, सेक्शन वाइज, क्लास वाइज आप अपने स्कूल के बच्चों का लिस्टिंग यहाँ पर देख सकते हैं। 3 बच्चे थे, देखिए 3 बच्चों का हमारे पास लिस्टिंग है। इसके व्यू करने में हम, व्यू करने के लिए हमने 3 तरीके दिए हैं, 2 तरीके बेसिकली दिए हैं। एक तो हम कहते हैं क्विक व्यू, क्योंकि बेसिक समरी हम उसका देख सकते हैं जब भी हम चाहें, डायरेक्ट हम बेसिक समरी देख सकें। और इंटायर डिटेल्स देखना है स्टूडेंट का तो यहाँ पर व्यू पे जाएंगे तो यहाँ पर मिल जाएगा। यहाँ पर बेसिक डिटेल्स में बेसिक डिटेल्स देख पाएंगे, फिर फी डिटेल्स में कब कब फी डेट था, उसका कितना पे किया नहीं किया वो देख पाएंगे। पेरेंट इन्फॉर्मेशन देखना है, पेरेंट इन्फॉर्मेशन देख पाएंगे आप। और स्टूडेंट ट्रांसपोर्ट देखना है, ट्रांसपोर्ट इनहेल किया है कि नहीं किया है तो यहाँ पर आप देख पाएंगे। तो यहाँ पर कंप्लीट मतलब इंटायर डिटेल्स ऑफ स्टूडेंट आप आसानी से एक ही जगह पे देख पाते हैं। तो दोनों में से आप जो चाहें कर सकते हैं। कभी कभी स्टूडेंट का डिटेल्स की जरूरत पड़ती है तो इसके लिए इसको ध्यान में रखते हुए बनाया गया है। उसके बाद सबसे बड़ा पार्ट है फी। स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन के बाद हमारा फी का पार्ट आता है, जिसे आप इसमें फी में जाएंगे, फी लिस्ट पे क्लिक करेंगे और आप चाहें तो आप सेशन वाइज यहां से आप क्लास का, सेक्शन का फी आप देख पाएंगे किस स्टूडेंट का क्या है। अब देखिए यहां पर आप देख पा रहे हैं फीस में कि हमने क्वार्टरली रखा है, क्वार्टरली फी जनरेट करते हैं हम लोग। और क्वार्टरली फी जनरेट करने के बाद जैसे रजिस्ट्रेशन नंबर 101 का है और 1002, 1001 एंड 1002। अब यहाँ पर हम क्विक व्यू करेंगे तो देखेंगे कि इस बच्चे का 3 महीने का फी पेड है। देखिए कोई हाईलाइट नहीं है चेकबॉक्स, इसका मतलब पूरा का पूरा पेड है, पेड है। तो इसका हमारा पेमेंट स्लिप होगा, पेमेंट स्लिप यहाँ प्रिंट पे जाएंगे देखेंगे आप। देखिए यहाँ पर क्या दिखा रहा है, पूरा पेमेंट डिटेल्स दिखा रहा है कि किस किस फी पीरियड कब का, अप्रैल, मई और जून का इन्होंने पे कर रखा है, 10,800 रुपये पे कर रखा है। जो रिबेट कितना दिया हमने, 0 दिया, बैलेंस कितना हुआ, 0 हुआ, मतलब कोई भी बैलेंस नहीं है। जिसमें अब इस फी का बाइफरकेशन देखते हैं तो 2400 रुपये फीस था इसका, ट्यूशन फी था, एग्जाम फी 500 रुपये था, एनुअल फी 6,000 रुपये, बैलेंस हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर फी हमारा 400 रुपये और ट्रांसपोर्ट फी 1500 रुपये। टोटल मिलाकर के हमारा 10,800 हुआ 3 महीने का, और 10,800 में 10,800 रुपये का पेमेंट हो चुका है।
नेक्स्ट हमारे पास प्रिंट पे क्लिक करते हैं, क्या होता है आप देख सकते हैं यहीं से आपका स्लिप प्रॉपर प्रिंट होकर के आ जाएगा, आपको अलग से मैन्युअली कोई काम करने की जरूरत ही नहीं है। तो ये रहा फी का डिटेल्स। आप अगर फी पेमेंट करना चाहते हैं, जैसे इनका देखेंगे आप पार्सली पेड है, इनमें देखिए आपका 2 महीने का तो हाईलाइटेड है, 1 महीने का डिसहाईलाइट है, 2 महीने का हाईलाइटेड है। तो यहाँ से आप क्लिक करेंगे, कन्फर्म पे जाएंगे, कन्फर्म में करते ही करा के 1300 रुपये आपका पेमेंट है 1 महीने का पे कर रहे हैं। तो जैसे रिबेट आप 300 रुपये दे रहे हैं, मान लो 300 रुपये दे रहे हैं, तो अमाउंट आफ्टर रिबेट इज 1000 और पेमेंट क्या है, कैश में देना है कि चेक में देना है देख लीजिए, और पे नाउ करेंगे आप। कैश में हमने लिया, कैश में लिया, पेमेंट हो गया। अब हम जाकर यहाँ चेक करेंगे कि यस हुआ कि नहीं हुआ, तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा डिटेल्स। देखिए यहाँ पर हम जाते हैं, जैसे ही क्लिक करेंगे देखेंगे 2 महीने का देखो डिस हाईलाइट हो गया है और 1 महीने का पेंडिंग है। अब देखते हैं यहाँ पर, जैसे ही हम स्लिप में क्लिक करेंगे तो क्या है, अप्रैल और मई का पे हो चुका है और जून का बाकी है, और टोटल 1800 रुपये आपका बैलेंस रह रहा है। ठीक है, पहले महीने में हमने 1000 रुपये दिया होगा रिबेट और इस महीने में 300 दिया, तो 2300 रुपये रिबेट हो गया और आपका बैलेंस हो गया 1800 रुपये। ठीक है सर, यहां तक आप लोगों को क्लियर होगा। नेक्स्ट हम चलते हैं फी के बाद। सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है फी के बाद रिपोर्टिंग का होता है। किसी भी स्कूल के लिए रिपोर्टिंग बहुत जरूरी होती है। रिपोर्टिंग में आप यहां से आप देख सकते हैं, अटेंडेंस का रिपोर्ट है, आप किसी बच्चे का अटेंडेंस रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो इस स्क्रीन के थ्रू आप जा करके अटेंडेंस रिपोर्ट देख सकते हैं। अगर आपने अटेंडेंस बनाया है अपने स्कूल का तो यहाँ से डे बाई डे जिस डेट का आप सिलेक्ट करेंगे उस डेट का आपको अटेंडेंस दिख जाएगा, यहाँ पे सर्च करने पे आ जाएगा। देखिए ये अटेंडेंस आ गया आपका। इस अटेंडेंस की सबसे बड़ी खूबसूरती क्या है कि जब अटेंडेंस आप लगाते हैं तो बहुत सारे स्कूल में क्या होता है कि अटेंडेंस लग जाता है लेकिन ये पता नहीं होता बच्चा आया लेट आया तो कितने लेट आया। तो इसमें हमने एक लेट टाइम का भी दिया है कि जब भी अटेंडेंस कोई मार्क करने जाएगा लेट करेगा, लेट करने के बाद टाइम भी पूछेगा कितने बजे बच्चा आया था, तो ये देखना है ये आपको। अभी हमने उसके बाद दूसरा रिपोर्टिंग की बात करते हैं हम लोग रिपोर्ट में। वन सेकेंड, नीचे हम जाएंगे रिपोर्ट में क्या है, एम्प्लॉय मास्टर। अब एम्प्लॉय मास्टर, एम्प्लॉय से रिलेटेड रिपोर्ट देखना है तो आप यहां से देख सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं, फिल्टर करके आप क्लिक करेंगे यहाँ पर जो भी सिलेक्ट करेंगे तो सारे एम्प्लॉयज का डिटेल्स यहाँ पे दिख जाएगा, क्या है कौन सा एम्प्लॉय, यहाँ टीचर है, ग्रुप है और स्कूल है, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेशन का पार्ट होता है और एक टीचर ही हमारे स्कूल में है। इस तरह से आप सर्च भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग फिल्टर भी लगा सकते हैं आप यहाँ से। जैसे मान लीजिए कि सिर्फ आपको अपने स्कूल का देखना है या आपको कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट का देखना है, पोजिशन का देखना है, आपको जिसका देखना है आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं, सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। नेक्स्ट आता है स्टूडेंट फी। अब स्टूडेंट फी यानी कि हमें इस देखना है कि इस क्लास के किस किस स्टूडेंट का कितना कितना फी है हमारा, कितना फी पेंडिंग है, कितना फी किसका पेड है किसका पेंडिंग है, तो हम आसानी से यहाँ पे देख पाएंगे। क्वार्टर वन में 101 का क्वार्टर वन का पेमेंट हुआ है, कितने बार हुआ है भाई, तो एक बार 1700 हुआ है, एक बार 1300 हुआ है और 1800 हमारा क्वार्टर वन का 101 का 1800 हुआ, ये भी पेड है हमारा। अगर क्वार्टर टू की बात, क्वार्टर वन का हम बात करेंगे शनवी वर्मा का, तो इसका 3 महीने 2 बार पेमेंट हुआ है और तीसरा इसका पेंडिंग है, जो अभी मैंने किया था। आप लोगों ने ध्यान दिया होगा कि हमने 1300 रुपये का पेमेंट किया था, पहले 1700 रुपये का पेमेंट हुआ था, फिर 1300 रुपये मैंने किया था और 1800 रुपये इसका पेंडिंग है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो फाइनेंशियल फी रिपोर्ट में आते हैं। फाइनेंशियल फी रिपोर्ट स्कूल को एट द ईयर एंड पे जरूरत पड़ता है, जो कि हम यहाँ पर दिखाएंगे। जैसे ही हम सिलेक्ट करेंगे सेशन, सेशन के बाद हम क्लास सिलेक्ट करेंगे, क्लास सिलेक्ट करने के बाद सेक्शन सिलेक्ट करेंगे और फिल्टर करेंगे, तो उसके अकॉर्डिंग हमारे पास जो अभी तक पेमेंट आया है और जो भी बैलेंस है तो दिख जाता है। जैसे नेट अमाउंट कितना आना था, 21600 आना था, जबकि हमारे पास पेड अमाउंट कितना आया, कितना है अमाउंट हमारे पास 19800 और बैलेंस कितना रह गया 1800। तो जो बैलेंस रह गया वहां पर पार्शियल पेड आएगा। पार्शियल पेड का मतलब है कुछ पार्ट पे हुआ है, कुछ बैलेंस, कुछ पार्ट पेंडिंग है। ठीक, तो ये हो गया हमारे रिपोर्टिंग में जो मोस्ट इंपोर्टेंट रिपोर्टिंग है। अदर हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस
हैं जो स्कूल को स्मूथ एंड फंक्शनल करने में इजी बनाते हैं, टाइम कंज्यूमिंग नहीं होता है, टाइम टाइम आपका बचता है। इवेंट्स कोई आप बना रहे हैं अपने स्कूल में, इवेंट कोई आपका चल रहा है तो इवेंट को हाँ आप मेंटेन कर सकते हैं। इवेंट टाइप पहले डिफाइन करेंगे, एक इवेंट टाइप के बाद आप क्या करेंगे, इवेंट का नेम देंगे आप, इवेंट का इवेंट ऐड करेंगे, और इवेंट ऐड करने के बाद ये इवेंट किस किस को दिखना चाहिए, देखिए यहाँ पर है इवेंट जो आप बना रहे हैं किस किस को दिखना चाहिए, यहीं से साइन करेंगे तो उनके लॉगिन पे डायरेक्ट चला जाएगा, किसी को बताने की जरूरत हमें नहीं पड़ेगी। इवेंट का रिपोर्ट देखना है कि कब कब कौन कौन सा इवेंट हुआ था, तो आप यहाँ से डायरेक्ट ईयर सेलेक्ट करके, आप ईयर सेलेक्ट करके और मंथ सेलेक्ट करके भी आप चेक कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पर रिपोर्टिंग का पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। नेक्स्ट पार्ट अगर आप बात करते हैं लाइब्रेरी का, लाइब्रेरी भी आप देख सकते हैं, लाइब्रेरी में हमारे पास में मेंटेन करने के लिए बुक्स कैटेगरी मेंटेन करते हैं, फिर बुक्स लिस्टिंग मेंटेन करते हैं, फिर किस किस को बुक इश्यू करना है, तो हम यहाँ से डायरेक्ट हम बुक इश्यू पे जाएंगे और उस पर्टिकुलर स्टूडेंट को या जिसको भी बुक हमें इश्यू करना है हमें डायरेक्ट यहाँ से इशू कर सकते हैं, लेकिन पहले बुक आपको मेंटेन करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा सबसे बड़ा पार्ट आता है, दो चीजें, कार्ड मैनेजमेंट। जैसे देखिए बच्चों को आई कार्ड देनी होती है, हमें आई कार्ड देनी होती है, तो हर एक स्कूल के आई कार्ड डिफरेंट डिफरेंट होते हैं, तो हमने यहाँ पर बना रखा है कि आप अपने स्कूल का आई कार्ड खुद से बना सकते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे टेम्पलेट हमने डिफाइन कर रखी है, आपको नया टेम्पलेट डिफाइन करना है आप नया टेम्पलेट डिफाइन कर लो, क्या क्या रखना है आप यहाँ से डिफाइन कर लो। हम देखिए जैसे हमने टेम्पलेट नंबर 3 पे इमेज लगा रखा है कि इस टाइप का बन के आना चाहिए, तो आप यहाँ पर आप इमेज अपलोड करेंगे, जिस जो इमेज अपलोड करेंगे उस टाइप का हो जाएगा। अब जनरेट आई कार्ड पे जाएंगे, अगर आप जनरेट आई कार्ड पे जाएंगे टेम्पलेट मेंटेन करने के बाद, तो यहाँ पर हम जिस क्लास का मेंटेन करना है, जिस सेक्शन का मेंटेन करना है, कौन सा टेम्पलेट लेके चलना है, टेम्पलेट 3 हमने सेलेक्ट कर दिया, सर्च कर दिया। अब देखिए ये है, हमने सेलेक्ट ऑल किया और जनरेट कर दिया। जैसे ही जनरेट करेंगे देखिए हमारे पास ये आई कार्ड बन करके आ गया, हम एक बार में प्रिंट मारेंगे, एक बार में प्रिंट करेंगे इसको, और प्रिंट करके हम बच्चों को क्या करेंगे, हम दे देंगे, प्रिंट करेंगे, आपका प्रिंट हो जाएगा। आप ये भी कर सकते हैं कि आप खुद प्रिंट नहीं करते हैं, किसी ऑर्गेनाइजेशन से करवाते हैं, तो उस ऑर्गेनाइजेशन को यहाँ से पीडीएफ में सेव करके आप भेज सकते हैं, ताकि वो आसानी से आपको प्रिंट करके दे दे, आप बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कर दे। यानी कि ये भी आपका मैनेजमेंट है, आप मैनेज करेंगे और आपके अकॉर्डिंग आपका वर्क परफॉर्म हो जाएगा। नेक्स्ट सबसे बड़ा पार्ट होता है स्कूल का एग्जामिनेशंस एंड प्रोग्रेस रिपोर्ट। तो एग्जाम पैटर्न भी हमारे पास है, एग्जाम पैटर्न में हमने क्या किया है कि एग्जाम कैसे कंडक्ट होते हैं, एग्जाम का शेड्यूलिंग तैयार करना वो भी हमने यहाँ पर दिया। एग्जाम में सबसे पहले जो एग्जाम स्कूल्स में टर्म्स होते हैं, टर्म फर्स्ट टर्म सेकंड टर्म थर्ड टर्म या UT1 UT2 UT3, तो हम उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर टर्म्स मेंटेन कर लेंगे। जैसे यहाँ पर हमने 24 में लिया UT1, फर्स्ट टर्म ही ले लेता हूँ, फर्स्ट टर्म मैंने लिया, फर्स्ट टर्म ले लिया, फर्स्ट टर्म यहाँ पर आ गया, सेकंड टर्म जैसे ही मेंटेन किया हमने, हॉल भी हमारे पास कौन कौन से हॉल है वो भी हम मेंटेन कर सकते हैं यहाँ पे। जैसे हॉल नंबर 100, इसमें कितने सीट हैं, तो 50 सीट्स हैं, यानी कि 50 बच्चे वहां पर बैठ सकते हैं, 50 बच्चे वहां पर बैठ सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते हैं। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन मतलब अगर हर एक सब्जेक्ट का अपना अपना मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन होता है, प्रैक्टिकल मार्क्स थ्योरी मार्क्स, तो इसका एक कोड तैयार करना है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि करना है कि नहीं। हमने M001 कोड रख दिया और हमने रख दिया मार्क्स, इसमें डिपेंड करता है आपके ऊपर। नेक्स्ट पार्ट हमारा इम्पोर्टेंट पार्ट होगा क्या है, एग्जाम सेटअप। अब एग्जाम सेटअप करेंगे हम लोग, यानी कि सेटअप का मतलब है कि कब कौन कौन सा एग्जाम होना है। एग्जाम FT फर्स्ट टर्म हमने रख लिया, फर्स्ट टर्म मार्क्स पे होगा एग्जाम, और रिमार्क्स आपको डालना है। यहाँ पर हमने ध्यान देना आप लोग, हमने यहाँ पर क्या रखा, मार्क्स GPA और मार्क्स एंड ग्रेड। बहुत सारे स्कूल में मार्क्स पे चलता है, बहुत सारे GPA पे चलते हैं, और बहुत सारे मार्क्स एंड ग्रेड दोनों पे चलते हैं, तो डिपेंड करता है आप जो सिलेक्ट करें, और सेव करेंगे यहाँ पे सेव हो जाएगा, उस पैटर्न में आपका एग्जामिनेशन होगा। नेक्स्ट हमारे पास पार्ट आता है क्या, एड शेड्यूल। अब जब एग्जामिनेशन का हमने बना दिया कि फर्स्ट टर्म होना है, तो उसका शेड्यूलिंग भी तैयार करेंगे। शेड्यूलिंग में हम क्या करेंगे कि कौन से क्लास का
किस दिन को कौन सा सब्जेक्ट कितने बजे से किस हॉल में होगा। ठीक है, तो यहाँ से जैसे ही आप क्लिक करोगे उसमें अगर मेंटेन किया है तो यहाँ पर डिटेल्स आ जाएगा जिसमें हम ये लिख देंगे कि किस हॉल में कौन सा सब्जेक्ट कब कब होगा। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास आता है व्यू शेड्यूल। अगर आपने शेड्यूल बना दिया है तो उसका एक व्यू करेंगे। व्यू करने के बाद एक हम पूरा प्रोसेस यहाँ पे एक हम पूरा जैसे हॉल टिकट बन के आता है, आपका हॉल टिकट बन के आ जाएगा और उसको आप हॉल टिकट कर सकते हैं, एडमिट कार्ड कर सकते हैं और आप स्टूडेंट को दे सकते हैं। तो ये पूरा इंटायर पार्ट हो गया एग्जामिनेशन का। उसके बाद एग्जामिनेशन होने के बाद आता है प्रोग्रेस रिपोर्ट का। तो प्रोग्रेस रिपोर्ट के लिए आपको प्रोग्रेस रिपोर्ट भी यहीं से बन जाता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कैसे आपको ठीक करना है इसको। स्टूडेंट प्रोग्रेस रिपोर्ट में आते हैं हम। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट रिपोर्ट कार्ड में जब जाएंगे इसमें बहुत सारे मैनेज करने पड़ते हैं फील्ड्स। अगर हमने बना रखा है तो यहाँ पर डिस्प्ले हो जाएगा, नहीं बना रखा है तो हमारा देखिए जैसे इस बच्चे का हम ग्रेड कार्ड देखना चाहते हैं, प्रोग्रेस रिपोर्ट हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। देखिए यहाँ पर हमने ऐसे ही रियान स्कूल ऐसे ही ये डाल रखा है, किसी स्कूल का नहीं है, हमने ऐसे ही बना रखा है। जैसे देखिए जीडी स्कूल हो गया और यहाँ पर देखिए आप देख पा रहे होंगे किस चीज में कैसे कैसे मार्क्स हमने इसका मेंटेन कर रखा है। तो जैसा आप मेंटेन करेंगे वैसे आपको ये पूरा प्रोग्रेस रिपोर्ट दिख जाएगा। इवन इफ के उसका देखिए आप यहाँ पर अभी हमने ग्राफ्स नहीं दिख रहा है। क्यों ग्राफ नहीं दिख रहा है? क्योंकि हमने अटेंडेंस अभी बनाई नहीं है। देखिए असेसमेंट वन में अटेंडेंस 0/0 है, अटेंडेंस 1/1 है, 0/0 है, असेसमेंट 1, 2, 3 हमने रखा है। क्लास टीचर का साइन आपने मेंटेन कर रखा है डेटाबेस में, यानी कि आप अपलोड करके रखेंगे तो डायरेक्ट अपने आप उठ कर आ जाएगा, आपको भी डालने की जरूरत नहीं है। तो और प्रिंट करने पे आपका डायरेक्ट यहाँ पर प्रिंटिंग भी हो जाएगा आपको, मतलब कोई भी काम मैनुअल नहीं रह गया आपका। आपके स्कूल का हर एक काम क्या होता है इसमें आपका ऑटोमेटेड तरीके से चल जाता है। तो ये हमारा हमारे स्कूल का शॉर्ट समरी है। बाकी और बहुत सारे फीचर्स हैं जैसे कैंटीन का है, लाइव क्लासेस का भी फीचर है, स्टूडेंट अपना लीव डालता है, लीव यहाँ से अपना स्टूडेंट डाल सकता है और उस लीव के अकॉर्डिंग उसको लीव मिलेगा और उसका अप्रूवल होगा, उसका क्लास टीचर उस लीव को अप्रूव करेगा और अप्रूव करने के बाद एक्चुअल रीजन के देखने के बाद अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद बच्चा छुट्टी कर सकता है। एग्जामिनेशन है, लाइब्रेरी है, एक्सपेंसेस है, स्कूल के एक्सपेंसेस को भी आप मेंटेन कर सकते हैं यहाँ से। तो हॉस्टल मैनेजमेंट भी है हमारे पास। यूजर सेटिंग के अंदर अगर कोई बच्चा पासवर्ड भूल जाता है और आपसे कहता है कि भाई सर पासवर्ड बता दीजिए, तो आप जैसे बच्चे का रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे, यूजर आईडी डालेंगे, व्यू रिकॉर्ड करेंगे तो याद आएगा कि ये बच्चे का यूजर आईडी हमारे पास 101 है और उसका पासवर्ड HR@123 है, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे। ये बहुत सारे केसेस आते हैं कि बच्चे कहते हैं कि सर पासवर्ड में भूल गया, तो उस तरह से आप मतलब एंड टू एंड वॉकिंग ऑफ द पर्टिकुलर स्कूल। यहाँ पर क्या है, अगर बच्चा छोड़ के जा रहा है तो आप लीविंग सर्टिफिकेट जनरेट करोगे, आप यहाँ से डायरेक्ट देख सकते हो, सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करते ही आपका रोल नंबर हमने 103 रख दिया, 103 किया, जनरेट किया, 3 नहीं है तो हमने मान लो 2 ले लिया, 2 ले करके हमने इसको। लेकिन लीविंग सर्टिफिकेट जनरेट करने के बाद प्रॉब्लम ये आती है कि लीविंग सर्टिफिकेट जैसे ये देखो ऐसे ही आपका जनरेट होकर के लीविंग सर्टिफिकेट आ जाएगा। लीविंग सर्टिफिकेट जनरेट करने के बाद उस बच्चे की लॉगिन बंद हो जाती है। ठीक है, तो इसका फी जनरेट देखिए यहाँ पर एक मैसेज आया, जैसे ही मैंने जनरेट पे क्लिक करा, लीविंग सर्टिफिकेट नॉट जनरेटेड ड्यू टू फी पेंडिंग, यानी कि फी इसका पेंडिंग है इसलिए लीविंग सर्टिफिकेट जनरेट ही नहीं होगा। पहले फी पे करेगा, कंप्लीट इसका फी होगा। जैसे याद करो आप लोग, मैंने क्या किया था, 1800 रुपये इसका पेंडिंग रखा था शनवी वर्मा का, तो अगर पेंडिंग है तो इसका लिविंग सर्टिफिकेट जनरेट नहीं होगा, अदरवाइज लिविंग सर्टिफिकेट जनरेट होता और इस फॉर्मेट में आ जाता हमारा। यहाँ पर फॉर्मेट थोड़ा सा अलग इसलिए दिख रहा है क्योंकि उसका नाम वगैरह नहीं आया है, उसका नाम उसके फादर्स का नाम यहाँ पर लिस्टिंग में आएगा, फिर जा करके ये प्रॉपर दिखने लगेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट द स्कूल कोर्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।